We are going to start another important poem, Lucy Gray by William Wordsworth. This poem is very important. We will read question answer, explanation of the text, and also we will discuss critically, and later on we will discuss all question answer as well. So we are going to start Lucy Gray by William Wordsworth. You all know about William Wordsworth. William Wordsworth was the famous poet of nature. Now we will start this poem in detail. So before starting poem, first we will discuss the description and the introduction and biography or important or famous work of William Wordsworth. So Lucy Gray by William Wordsworth. He was the famous poet of nature. Now we will discuss about William Wordsworth. Let's see. William Wordsworth. William Wordsworth was born on 1770 in Cockermouth. His father, who was a lawyer, died when William was 13 years old. The remainder of his life was a model of डोमेस्टिसिटी. इज ग्रेट पेशन वॉज फॉर ट्रेवलिंग. अभी हमने ब्रीफ ही जैसे आपने नोट कर लेना है. वेन ही वॉज बॉर्न इन 1770 इन कॉकरमाउथ, और इनके फादर जो थे लॉयर थे. सेकेंड, ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड ही वॉज पोइट ऑफ नेचर. आप सबको पता है कि विलियम वर्डसवर्थ जो है नेचर के बारे में जो है उन्होंने कहा था कि जैसे आई कैन सी गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और वो जहाँ जाते थे नेचुरल ब्यूटी इंजॉय करते थे. उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है नेचर के बारे में. और विलियम वर्डसवर्थ के बहुत फेमस वर्क हैं जिसमें हमने ओड भी नोट किया कि ओड है फेमस. और उसके अलावा ये जो अभी हम पोएम पढ़ेंगे ल्यूसी ग्रे बाय विलियम वर्डसवर्थ, एंड सेकेंड ईयर में भी इसके हमने सॉलिटरी रीपर जो है पोएम है. अब इन सिमिलर वे वी विल स्टार्ट दिस पोएम ल्यूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ सी कोट हम पहले पढ़ लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग नेचर डिस्कशन ऑफ द पोएम ल्यूसी ग्रे. विलियम वर्ड्सवर्थ से नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. अंडरस्टैंड, दैट वॉज द फेमस कोट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ रिगार्डिंग nature. Nature never did betray the heart that loved her. If you tease nature, nature will hurt you. So ye jo hai fact hai. Uske baad dekhen, next hum usko ab start karte hain Lucy Gray on solitude. Solitude means loneliness, akelapan. Ab isko poem start kar lete hain, dekhen isme kya bataya gaya hai. Often, first is old English word often. Now see, often I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of the day the solitary child. ये जो हम प्योरली टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर रहे हैं और उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ पैराग्राफ वाइज, तो आपने उसको समझ लेना है. लेटर ऑन वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लाइक क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर सेशन. ओके, नाउ सी, आपने ल्यूसी ग्रे के बारे में सुना होगा. विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, मैंने देखा कि आई चांस टू सी द ब्रेक ऑफ द डे द सॉलिटरी चाइल्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ ल्यूसी ग्रे के बारे में बताते हैं कि शी वाज लॉनली, शी वाज सॉलिटरी. एक अकेली लड़की जो है पहाड़ी इलाकों में रहा करती थी, और जैसे सुबह का वक्त होता है, नो मेट नो कॉमरेड ल्यूसी न्यू शी ड्वेल्ड ऑन अ वाइल्ड मूर. द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर. ल्यूसी ग्रे के कोई कॉमरेड, कोई जैसे फ्रेंड, कोई सहेली या कोई कोलीग वगैरह वो नहीं थी. शी ड्वेल्ट ऑन द वाइल्ड मूर, पहाड़ी इलाकों में रहती थी, एंड शी वॉज द पार्ट ऑफ द नेचर, एंड शी इज अ लिविंग चाइल्ड. जो है उनका जैसे नेचर ब्यूटी को एंजॉय करना, खेलना कूदना, और इतना ज़्यादा लाइफ में जो है पर्पज़ नहीं था. नाउ सी, नेक्स्ट, यू येट मे स्पाय द फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. यहाँ से देखें, actually story start होती है. This poem is like a short story. कह रहे हैं कि spy का मतलब देखें देखना. कौन कहते हैं young deer या हिरन को कह रहे हैं, और hare खरगोश को. अपोर्ट compare करता है.
जैसे खरगोश को आप ग्रीनरी में खेलते हुए देखते हैं, सिमिलर वे हिरन को खेलना कूदना जब आप देखते हैं, बट कह रहे हैं अब ये ल्यूसी ग्रे का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अब आपको जो है वो नजर नहीं आएगा। Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow. कह रहे आज जो है तूफानी रात है और आपने जो है शहर जाना है और अपनी मदर को लेके आना है एंड ये लैंटर्न ले जाएं। ल्यूसी ग्रे के जो फादर होते हैं वो ल्यूसी ग्रे को कहते हैं कि पहले तो वो हमने पढ़ा कि अब ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है ल्यूसी ग्रे का हमें नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजिक थिंग हैपेंड विद द ल्यूसी ग्रे। अब ल्यूसी ग्रे के बारे में आगे देखें इसमें क्या बताया गया इस फॉर्म में। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जैसे स्टॉर्मी नाइट थी और ल्यूसी ग्रे की जो फादर होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप नियर बाय टाउन जाएं और ये लैंटर्न ले जाएं और अपनी मदर को जैसे जो है ले आएं, और बिकॉज इट्स ए स्टॉर्मी नाइट एंड इट्स स्नो आउटसाइड जस्ट गो एंड फेच योर मदर बैक फ्रॉम द नियर बाय टाउन। ल्यूसी ग्रे के फादर जो होते हैं ल्यूसी ग्रे को कहते हैं आप जाएं और अपनी मदर को जो है वहां से ले आएं। उसके बाद नेक्स्ट दैट फादर विल आई ग्लैडली डू दिस स्कैर्सली आफ्टरनून द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू एंड योंडर इज द मून। कह रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ल्यूसी ग्रे ने कहा कि हाँ ये मैं खुशी से करूंगी और दोपहर के दो उस वक्त दोपहर का टाइम था। मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू इट स्ट्रक टू ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून एंड योंडर इज द मून। योंडर का मतलब होता है फॉर अवे दूर होना, चांद बहुत दूर था। अब देखें पोएट्री में हम इसकी मीनिंग कैसे निकालेंगे। मीन रात होने में काफ़ी वक्त था, दोपहर के दो बजे थे, स्टॉर्म एक्सपेक्टेड था नाइट टाइम में। तो ल्यूसी ग्रे के फादर उन्हें कहते हैं कि जस्ट गो नियर माय टाउन एंड फेच योर मदर बैक बिकॉज स्टॉर्म कब आने वाला था, रात के वक्त। तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ल्यूसी ग्रे के फादर ल्यूसी ग्रे को ऑर्डर देते हैं। नाउ एंड दिस फादर रेज्ड द हुक एंड स्नैप्ड फैगोट बैंड प्लाइड इज वर्क एंड ल्यूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड। नाउ सी हुक एक्चुअली जो है हुक क्या है, हुक जो एक कर्व ब्लेड होता है यूज फॉर कटिंग क्रॉप्स। नीचे हैंडल लकड़ी का लगा होता है, ऊपर क्वेश्चन मार्क की तरह आयरन का बना होता है जिसको लकड़ी के काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं फैगोट बैंड। तो ल्यूसी ग्रे के फादर जो होते हैं वो लकड़ियाँ जिसे बांध के और उनके हाथ में बाद में जो है एक लैंटर्न देते हैं ल्यूसी ग्रे के हाथ में और कहते हैं जाएं और जस्ट फेच योर मदर बैक फ्रॉम द नियर बाय टाउन। लेटर ऑन सी नो Wilther, not Wilther is the mountain road, with many a wanton stroke, her feet disperse the like powdery snow that rises up like a smoke. No, not Wilther means more joyful. एंड माउंटेन रोक कह रहे हैं जैसे माउंटेनियस एरियाज में जैसे हिरन वगैरह खेलना कूदना पहाड़ी इलाकों में सिमिलर वे जिस तरह वो खुश होते हैं एनिमल खुश होते हैं। लाइक कोल्ड सेइंग दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज सेइंग ल्यूसी ग्रे जो हमेशा जो है खेलती कूदती रहती थी उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा कोई पर्पज़ या एम नहीं था और वो खुश रहा करती थी, नेचर ब्यूटी को इंजॉय करती थी और जहाँ पे उनके पाँव पड़ते थे और फुटप्रिंट जैसे वहाँ पे जो है उनके नज़र आते थे। इट राइजेज लाइक अ स्मोक एंड स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम। तूफान जो होता है वक्त से पहले ही आ जाता है। शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन एंड मैनी अ हिल डिड ल्यूसी क्लाइंब बट नेवर रीच द टाउन। वो जो है अप एंड डाउन इधर उधर जो है वॉन्डर्ड करती है, बहुत सारी हिल ल्यूसी ग्रे जो है वो क्लाइंब करती है बट टाउन तक नहीं पहुंच पाती। ल्यूसी ग्रे जो होती है वो अपने जैसे टाउन तक नहीं पहुंच पाती। स्टॉर्म जो होता है वक्त से पहले ही आ जाता है, तूफान जो होता है वक्त से पहले ही आ जाता है और ल्यूसी ग्रे जो है वो टाउन तक जो है नहीं पहुंच पाती जहां वो अपनी मदर को लेने जा रही थी। नाउ सी नेक्स्ट नेक्स्ट द रैश पेरेंट ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फॉर एंड वाइड But there was neither sound nor sight to serve them for a guide.
रेंज पेरेंट कहते हैं जो परेशान जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो पूरी रात जो है दूर दूर तक चीखते चिल्लाते हैं, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, बट वहाँ पे कोई आवाज़ कोई नज़ारा जो उन्हें कोई आदमी गाइड करे उन्हें ल्यूसी ग्रे के बारे में बताए ऐसा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। एट अ डे ब्रेक ऑन हिल दे स्टूड, जब दिन का वक्त होता है तो वो पहाड़ी इलाकों में जैसे ऑन द हिल दे स्टूड एंड देड ओवर लुक द मूर, और दूर दूर तक वो पहाड़ियों में झांकते हैं और देखते हैं कि उन्हें एक लकड़ी का पुल नज़र आता है, उन्हें जो है लकड़ी का पुल नज़र आता है। देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड एंड फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, फरलॉन्ग मीन्स फॉर अवे, उनके घर से दूर। अब होता यह है कि ल्यूसी ग्रे जब घर नहीं पहुंचती, तूफान वक्त से पहले आ जाता है, वो अपना रास्ता भटक जाती है। ल्यूसी ग्रे के पेरेंट्स उनको पूरी रात ढूंढते हैं और फिर जो है वो हिल पे जो है सुबह का वक्त होता है तो हिल पे देखते हैं दूर दूर तक पहाड़ियों में, बट उन्हें कोई जो है कुछ नज़र नहीं था, और फिर उन्हें एक लकड़ी का पुल नज़र आता है जो उनके घर से बहुत दूर होता है। उसके बाद देखें ना Then now they homeward turned and cried, In heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of the Lucy feet. Actually, फिर वो घर आते हैं रोते रोते और अब कहते हैं कि हम दोबारा जन्नत में मिलेंगे, और ल्यूसी ग्रे की जो मदर है उनके फुटप्रिंट नज़र आते हैं स्नोई एरियाज में। और फिर जो है उसके बाद एक्चुअली ल्यूसी ग्रे की मदर वहाँ पे रुक जाती है, व्हेन शी सॉ द फुटप्रिंट ऑफ ल्यूसी ग्रे एंड देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल एज दे ट्रैक द फुट मार्क सिमाल। अब वो ऊंचाई से वो नीचे आते हैं और एक एक फुटमार्क को वो ट्रेस करते जाते हैं ताकि देखें कहाँ तक जा रहे हैं। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज, मतलब टूटी फूटी झाड़ियाँ उन्हें नज़र आती है, स्टोन वॉल नज़र आता है, एक एक फुटमार्क को वो जो है अपने घर से लेके आगे जो है स्नोई एरियाज में ट्रेस करते हुए जाते हैं, जहाँ जहाँ उनके पाँव के निशान होते हैं ल्यूसी ग्रे के पाँव के निशान होते हैं उनको वो जो है ट्रेस करते हुए जाते हैं। एंड नाउ सी नेक्स्ट एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, एक खुला मैदान आ जाता है, ओपन फील्ड वो क्रॉस करते हैं। मार्क वर स्टिल द सेम, सेम निशान होते हैं पाँव के, दे ट्रैक देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, एक एक निशान को ट्रेस करते हैं और कोई निशान जो है वो छोड़ते नहीं है। एंड टू द ब्रिज दे कैम, और फिर लकड़ी का एक पुल उन्हें नज़र आता है, ब्रिज एक नज़र आता है। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक द फुट मार्क वन बाय वन into the middle of the plain and further there were none. अब होता ये है कि जब खुला मैदान उन्हें नज़र आता है फुटमार्क जो है स्टिल सेम नज़र आ रहे होते हैं, और एक एक फुटमार्क को वो जो है फुटप्रिंट को ट्रेस करते जाते हैं, और फिर एक लकड़ी का पुल आता है वहाँ पे स्नोई बैंक से, वहाँ से लेके एक एक फुटमार्क को ट्रेस करते हैं, फिर देखते हैं कि लकड़ी का जो पुल होता है वो बीच में मिडल ऑफ द प्लैंक, जब वो पुल टूटा हुआ होता है लकड़ी का जो टुकड़ा जिसे पुल का जो टूटा हुआ होता है, और वहाँ पे आगे उन्हें कोई जो है पाँव के निशान नज़र नहीं आते। यू ऑल नो इन द स्टोरी के जैसे हमने ये रिवीजन में हमने मैं आपको ये दोबारा बता दूँगी, हमने पढ़ा था कि जैसे ल्यूसी ग्रे जो हमने देखा कि मिडल ऑफ द प्लैंक वो पुल जो टूटा हुआ होता है नीचे पानी होता है, और उनके पेरेंट्स अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे जो है इनके फुटप्रिंट नहीं है, तो ल्यूसी ग्रे हो सकता है यहाँ से जो है डूब चुकी हो, तो ये जो है एक अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट यस सम मेंटेन्ड दैट टू दिस डे शी इज अ लिविंग चाइल्ड दैट यू मे सी द स्वीट ल्यूसी ग्रे अपॉन द लॉनसम वाइल्ड, कह रहे कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि ल्यूसी ग्रे जो एक लिविंग चाइल्ड है एंड आप स्वीट ल्यूसी ग्रे का जो जैसे चेहरा जो है वो इन पहाड़ियों में जो है अभी भी उनकी आवाज़ घूमती रहती है, और उनके पेरेंट्स कहते हैं ऐसा लगता है वो जो है उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और उसको जो है महसूस कर सकते हैं, और उनका चेहरा हमें अभी भी जैसे नज़र आता है, और शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, शी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर एंड ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, नेवर लुक बिहाइंड एंड सिंग अ सॉलिटरी सॉन्ग, सॉलिटरी मीन्स लॉन्ली,
दैट विसल इन द विंड, कह रहे हैं ल्यूसी ग्रे, खेलना कूदना उछलना कूदना, पीछे मुड़कर नहीं देखना और गाते रहना, और उनकी आवाज़ जो है दूर दूर तक पहाड़ियों में गूंजती रहती थी। तो ल्यूसी ग्रे जो है उसकी एक ट्रेजिक डेथ हो जाती है, और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो जब ढूंढते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी का पुल है, फिर उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। और लेटर ऑन वो कहते हैं कि ही इज़ अ लिविंग चाइल्ड, ही इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड यू मे सी द स्वीट ल्यूसी ग्रे अपॉन द लॉन ऑफ वाइल्ड। दैट इज द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द टेक्सचुअल लाइन ऑफ द पोएम। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम। नाउ ब्रीफली इसको हम किस तरीके से समराइज करेंगे। ल्यूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटिफुल लिटल गर्ल, शी हैड नो फ्रेंड टू प्ले विद एंड लिव्ड वाइल्ड मोड विद हर पेरेंट्स। शी वॉज अ लिटिल गर्ल, शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स। ऑन डे मदर वेंट टू टाउन फॉर शॉपिंग, की मदर जो है टाउन जाती है, नियर बाई टाउन फॉर शॉपिंग। इन द इवनिंग हर फादर टोल्ड हर टू गो टू द टाउन एंड टू ब्रिंग मदर बैक। इनके जो फादर होते हैं ल्यूसी ग्रे के, वो कहते हैं आप जाएं और अपने मदर को ले आएं। ही ऑल्सो टोल्ड हर टू टेक अ लैंटर्न विद हर एंड टू लाइट हर मदर्स वे थ्रू द स्नो स्टॉर्म, कह रहे हैं अपनी मदर को ले आएं क्योंकि बाहर तूफान आने के चांसेस हैं, और लैंटर्न ले जाएं। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, आफ्टरनून का टाइम था, बट ऐसा लग रहा था जैसे रात का वक्त हो। ल्यूसी ग्रे एट वंस ओबेड हिज ऑर्डर एंड सेट आउट फॉर टाउन। ल्यूसी ग्रे उनके फादर का कहना मानती है और टाउन के लिए जाती है। व्हेन शी वॉज ऑन द वे द स्टॉर्म हैड कम बिफोर इट वॉज एक्सपेक्टेड, जब वो जा रही थी तो तूफान वक्त से पहले ही आ गया। ल्यूसी कुड नॉट सी हर वे ड्यू टू स्नो, ल्यूसी ग्रे जो है अपना रास्ता जो है बर्फ स्नो की वजह से जो है वो अपना रास्ता जो है भटक जाती है। शी वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर एंड लास्ट एट लास्ट डाइड इन द स्नो। एज वी हैव डिस्कस ल्यूसी ग्रे इनके फुटप्रिंट जो है जब लकड़ी का पुल टूटा हुआ वहाँ तक नजर आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स अंदाजा लगाते हैं कि ल्यूसी ग्रे यहाँ पे गिर कर वो डूब चुकी होगी। हर पेरेंट्स सर्च्ड हर ऑल नाइट बट ऑल इन वैन। ल्यूसी ग्रे के जो पेरेंट्स होते हैं थ्रू आउट द नाइट दे वर शाउटिंग हेयर एंड देयर एंड दे वर सर्चिंग फॉर द डॉटर, बट उनकी बेटी जो है उनकी डॉटर जो है उनको नज़र नहीं आती। एट लास्ट दे फाउंड फुटप्रिंट्स इन द मिडल ऑफ द वुडन ब्रिज, परहैप्स शी स्लिप्ड थ्रू इट एंड डाइड। एंड वी हैव गेस्ड शी स्लिप्ड थ्रू एंड डाइड, एंड सम पीपल थिंक दैट शी इज स्टिल अलाइव, कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि जैसे आज भी वो जिंदा हो। एंड बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, और नेचर का जो है हिस्सा हो। शी सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल इन द विंड, ल्यूसी ग्रे जो है वो अकेले गाती रहती थी, इनकी आवाज़ जो है हवाओं में गूंजती रहती थी। एंड शी वॉज द पार्ट ऑफ नेचर, और हर वक्त नेचर को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में कोई प्रॉपर एम नहीं होना, खेलना कूदना, तो पोएट ने जो है ल्यूसी ग्रे के बारे में बताया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन का, यू ऑल नो पोएट्री का एक सब सेक्शन होता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसी भी पोएम का कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वी विल हैव टू डिस्कस डिफरेंट रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन। Now see, in poetry section, just you have to keep one point in your mind. As we study textbook of prose, so they can give question from anywhere. Like from poetry section, they can give question from anywhere. In your own words, you'll have to write down different answers in different wording. Way of asking question might be changed. क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि फॉर्म के एंड में क्वेश्चन तो नहीं लिखे होते, हमने खुद बनाने होते हैं फॉर्म को रीड करके। विल हैव टू गेस कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस विल हैव टू लर्न द स्टोरी इन डिटेल, एंड देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट हैपेंड टू ल्यूसी ग्रे द फॉर्म टाइटल ल्यूसी ग्रे। In William Wordsworth's poem, Lucy Gray, the little girl, drowned in the water for long from her home. Lucy Gray को क्या हुआ था? इस जो title Lucy Gray में बताया गया है, जिसे हमने पढ़ा के she drowned and she obeyed the order of her father. She went nearby town. वो nearby town जाती है to fetch her mother back.
But unfortunately, storm came before its time and she drowned. तूफान जो होता है वक्त से पहले आ जाता है और ड्यूसी ग्रे की जो है डेथ हो जाती है बिकॉज शी लॉस्ट हर वे शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन बट नेवर इन द टाउन. एक्चुअली स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड नाइट टाइम बट दोपहर के वक्त ही सडनली तूफान आ जाता है तो ड्यूसी ग्रे जो अपना रास्ता भटक जाती है, इधर उधर घूमती रहती है बट उनको जो है कोई कुछ नजर नहीं आता एंड देन शी लॉस्ट हर वे. Next, how did Lucy parents came to know of a tragic death? Lucy parents searched her for the whole night, but they could not find any way to reach her. अब इस questions में क्या पूछा गया है कि Lucy Gray के जो parents होते हैं, उनको Lucy Gray की tragic death के बारे में कैसे अंदाजा होता है, कैसे पता लगता है? ये हमने पढ़ा पूरी रात ल्यूसी के पेरेंट्स जो उन्हें ढूंढते रहते हैं बट उन्हें कोई फुटप्रिंट नज़र नहीं आता और जब वो जहाँ से अपने घर से जाते हुए ढूंढते हुए पहाड़ी इलाकों में हमने देखा ब्रोकन ब्रिज फूड उन्हें नज़र आता है फॉर लॉन्ग फ्रॉम देयर डोर और एट अ डिस्टेंस वाइल रिटर्निंग टू होम दे बिकम श्योर दैट ल्यूसी कुड नॉट क्रॉस द ब्रिज एंड शी हैड फॉलन डाउन एंड लॉस्ट हर लाइफ. And when they guessed Lucy Gray did not cross the bridge and she might have fallen down and lost her life, that was the story, that was the tragic death of Lucy Gray. When the Lucy Gray parents came to know of her tragic death, that was the story as we have discussed. Now, what do people think of Lucy Gray after her tragic death? Now see the way of asking question. इसमें ल्यूसी ग्रे की ट्रेजिक डेथ का पूछा क्या है, इसमें कह रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं ल्यूसी ग्रे की डेथ के बाद, लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. Now Lucy Gray is the creation of William Wordsworth. As we read the story form of this beautiful solitary girl, we come to know that after she drowned in the village pond and died. जब हमें पता चला कि वो शहर के जो है पॉन्ड में तालाब में डूब जाती है, उनकी डेथ हो जाती है. शी बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर. एनीबडी पासिंग द वाइल्ड कैन हियर द स्वीट वॉइस ऑफ ल्यूसी ग्रे हू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड नेवर लुक बिहाइंड. कह रहे हैं जब हम देखते हैं कि ये पार्ट ऑफ नेचर है, ल्यूसी ग्रे इज अ लिविंग चाइल्ड एंड शी इज पार्ट ऑफ नेचर. जब वो पहाड़ी इलाकों में से कहते हैं गुजरती थी और उनकी आवाज़ हवाओं में गूंजती रहती थी और जो है पीछे मुड़ के नहीं देखती थी, तो फिर हमें जो है हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ इन पहाड़ी इलाकों में गूंजती रहती थी और उनका ल्यूसी ग्रे के फादर पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा लगता है हमें उनका चेहरा अभी भी नज़र आता है, हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं एंड शी इज अ लिविंग चाइल्ड. बट रियल में शी डाइड. एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके पेरेंट्स मेमोराइज करते हैं, जैसे इमेजिनेशन, जैसे इंसान सोचता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हम जो है ल्यूसी ग्रे को महसूस कर सकते हैं जिस तरह वो खेलती कूदती थी. एंड शी सिंग्स अ सॉन्ग एंड नेवर लुक बिहाइंड एंड शी वेंट ऑन स्मूथली. तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इस क्वेश्चन में जो है हमने डिस्कस की. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, व्हेन डिड ल्यूसी पेरेंट्स सी द ब्रिज ऑफ वुड. लकड़ी का पुल कब नजर आता है. द रैश पेरेंट ऑफ ल्यूसी ग्रे सर्च्ड देयर डॉटर ऑन द स्नो कवर्ड हिल ऑफ दैट एरिया. जो पूरा एरिया होता है कवर्ड विद द स्नो ऑल दैट नाइट बट दे कुड नॉट नीदर हियर एनी साउंड नॉर सी द एनीथिंग दैट माइट गाइड देम टू फाइंड अ ट्रेस ऑफ देयर लॉस्ट डॉटर. उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था कि वो अपनी बेटी के फुटप्रिंट फॉर्म के निशान कोई ऐसी चीज देख सकें. ऑन द फॉलोइंग डे एट डॉन व्हेन दे स्टूड ओवर अ हिल एंड वर लुकिंग डाउन एट द वाइल्ड मून, दिस वाज द ब्रिज ऑफ वुड एंड दैट ब्रिज वाज अबाउट फॉर लॉन्ग अवे फ्रॉम देयर हाउस. एक्चुअली उसी दिन पे जब जो है उन पहाड़ी इलाकों में जब वो लुकिंग डाउन रोड व्हेन दे सी द वाइड मूवमेंट दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, लकड़ी का जब पुल नजर आता है
फूल उनके घर के बहुत दूर होता है, और जब वो ढूंढते ढूंढते जब पांव के निशान को ट्रेस करते जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। देवर कंफ्यूज एंड बहुत वो परेशान थे। फिर आगे जब वो जाते हैं तो फाइनली उन्हें एक लकड़ी का पुल नज़र आता है, और फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ल्यूसी ग्रे जो है यहाँ से गिरकर जो है उनकी डेथ हो चुकी होगी। और वो बाद में कहते हैं कि शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड एंड स्टिल वी फील दैट ल्यूसी ग्रे जो है किस तरह पहाड़ी इलाकों में खेलती कूदती थी और उनकी मेमोरीज जो होती हैं उनके पेरेंट्स को याद आती हैं। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और सबस्टेंस ऑफ द फॉर्म ल्यूसी ग्रे? एक्चुअली सेंट्रल आइडिया, सबस्टेंस, मोरल लेसन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। Understand, all these things are important. They can ask you any question regarding theme or way of asking question might be changed. Ek hi cheez hai, substance, moral idea, central idea, theme and important message. Ye sari cheezein jo hai relevant hai. Relevant hai to aap usme jo hai puch sakte hain aapse. The story of Lucy is tragical one. ट्रेजिकल का मतलब जिसमें किसी की डेथ हो, ट्रेजेडी हुई हो किसी के साथ। सो विलियम वॉट्सन इज द पार्ट ऑफ नेचर एंड ही प्रूव्स इन फिलोसॉफी दैट ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। विलियम वॉट्सन कहते हैं इंसान जो है वो जैसे पार्ट ऑफ नेचर है, हम जैसे नेचर को इंजॉय करते हैं। एंड ही शोज इज बिलीव दैट ल्यूसी इज अ लिविंग चाइल्ड एंड शी हैज बीन playing, singing and solitary song and never looking behind. William Wordsworth जो है कहते हैं कि Lucy Gray जो है वो living child है and वो खेलना कूदना song गाना अपनी life में इतना ज़्यादा मकसद नहीं होना, enjoying the beauty of nature and she sings solitary song, never look behind. It indicates that poet is humanist also and she has a sympathy and sad feeling for Lucy. इससे हमें अंदाजा होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो ह्यूमनिस्ट थे। ही थिंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सिंपैथेटिक फीलिंग्स इन हिज हार्ट। पोएट के दिल में जैसे सैड फीलिंग्स होती हैं ल्यूसी ग्रे के बारे में, जिस तरह ल्यूसी ग्रे की डेथ हुई तो वो राइटर के जो है दिल में जो है एक फीलिंग्स होती हैं रिगार्डिंग ल्यूसी ग्रे, जैसे जिस तरह उनकी ट्रेजिक डेथ हुई तो वो इसमें वो ल्यूसी ग्रे द क्रिएशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और उनको किस तरह जो है पॉम में हम पढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जिस तरह उनकी डेथ हुई उनको जो है अफसोस होता है। इन सिमिलर वे सिंपैथेटिक फीलिंग हमें अंदाज़ा होता है पोइट के केस में जैसे जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ सी ये हम केस में जो जो चीज़ें पढ़ी हमने पढ़ा रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ इंट्रोडक्शन बायोग्राफी एंड द फेमस वर्क एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेटर ऑन वी हैव डिस्कस पोएट्री सेक्शन द फॉर्म ल्यूसी ग्रे देयर लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। सो आपने स्टोरी जो है डिटेल में होपफुली इसमें समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने जो है पैराग्राफ वाइज जब हम डिस्कस करते हैं तो एक एक पॉइंट को आपने यू कैन जस्ट होपफुली आपने चीज़ें पूरी जो है पिक की होंगी। और क्वेश्चन आंसर भी हमने जो जो इम्पोर्टेंट में डिस्कस किए हुए हैं उसको भी आप पढ़िएगा एंड उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी दे सकते हैं, वे बस माइट बी चेंज। सो होपफुली आपको जो है टॉपिक जो है डिटेल में आपने जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।